यूक्रेन भीषण जंग जारी है। खार्किव, लवीव, डोनबास और कीव समेत कई शहरों पर रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस से फिर आया न्यूक्लियर हमले का सिग्नल। यूक्रेन के खार्किव का ताजा वीडियो, रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच जोरदार जंग। यूक्रेन का वीडियो से दावा, रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रही यूक्रेनी सेना। गांव और रिहायशी इलाकों में जारी है जंग। खार्किव में मुश्किल में लोगों की जिंदगी। सोशल मीडिया पर एक यूक्रेनी नागरिक ने पोस्ट की घर की तस्वीरें। गोलीबारी से घर क्षतिग्रस्त हुआ, घर में पत्नियों और बच्चे को लगी चोट। खार्किव में लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा। यूक्रेन का दावा, रूस का एक और फाइटर विमान SU-34 गिराया गया। खार्किव के ज्यूम में यूक्रेन का रूस पर पलटवार, रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेन ने फाइटर गिराकर रूस को बमबारी का जवाब दिया। यूक्रेन के एजियम में रूस की बड़ी एयर स्ट्राइक, TOS-1 रॉकेट से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला। एजियम में यूक्रेन रूस के बीच भीषण जंग जारी, हमले का ड्रोन वीडियो सामने आया। यूक्रेन के एजियम में रूस का बहुत बड़ा हमला, रूसी इस्कंदर मिसाइल के हमले की तस्वीर आई सामने। ड्रोन से ली गई तस्वीर में भारी तबाही नजर आ रही। रूसी मिसाइलों के खतरे पर जर्मनी अलर्ट मोड पर। डिफेंस के लिए एंटी मिसाइल शील्ड खरीदेगा जर्मनी। ज्यादातर रूसी मिसाइलों के रेंज में है जर्मनी। जर्मनी अभी रूसी मिसाइलों से बचाव के लिए तैयार नहीं। यूक्रेन ने सुमी के 20th शहर को रूसी कब्जे से छुड़ाने का दावा किया है। 20th शहर पर 1 मार्च को रूस ने कब्जा किया था, जिसे 26 मार्च के रणनीतिक हमले के बाद रूसी अधिकार से मुक्त करा लिया गया है। यूक्रेन के साल्तोवस्का में कई जगह भीषण आग लगी। रूस के हवाई हमलों के बाद नजर आ रहा है आग और धुआं। रूस के कई फाइटर विमानों ने इलाके में भयंकर बमबारी की। खार्किव में भयंकर जंग जारी है। खार्किव को कब्जे में लेने के लिए रूसी सेना का विध्वंसक हमला। रूस की सेना की गोलीबारी के बाद कई इलाकों में आग लगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस ने यूक्रेनी राजधानी कीव के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की है। रूसी एयर स्ट्राइक में यूक्रेन के कई टैंक्स और पोस्ट तबाह हुए। खार्किव में रूस का हमला। खार्किव इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी पर रूस ने बमबारी की। इस इंस्टीट्यूट के अंदर एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर भी है, इसलिए रूस ने बनाया निशाना। यूक्रेन में रूसी सेना के सामने बढ़ रही है मुसीबतें। रूसी सेना के सामने हथियारों को बचाने की बड़ी चुनौती। मारियुपोल में खराब टैंक को निकालते नजर आए रूसी सैनिक। जो बाइडेन की वार्निंग के बाद नेटो का एक और एक्शन। सब आर्कटिक एक्सरसाइज में घातक B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। नॉर्वे के F-35S फाइटर जेट्स ने भी अपना दमखम दिखाया। डोनबास में रूस ने दागे ताबड़तोड़ रॉकेट्स। मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से जबरदस्त हमला हुआ। देर रात भारी बमबारी से कांपा डोनबास। यूक्रेन के लवीव में फ्यूल डिपो में भीषण आग लगी। रूस के हमले के बाद धमाके के साथ आग लगी। रूस ने लवीव के इंडस्ट्रियल इलाके को टारगेट किया। कीव पर लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है रूस। बाहरी इलाके में बने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। रूसी मीडिया ने जारी किया वीडियो। युद्ध के बीच यूक्रेन को नया झटका देने की तैयारी में LPR। लुहांस्क में रूस के साथ जाने पर हो सकता है रेफरेंडम। रूसी फेडरेशन में शामिल होने पर जल्द हो सकती है राजशुमारी। LPR के चीफ ने कहा लुहांस्क में रेफरेंडम संभव है। खार्किव मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से रूस मचा रहा तबाही। यूक्रेन के रिहायशी और सैन्य ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहा है। यूक्रेन में रूसी हमलों के बीच फ्रांस का बड़ा दावा। यूक्रेन से फ्रांस पहुंचे 30,000 शरणार्थी। फ्रांसीसी सरकार के मुताबिक 1,00,000 शरणार्थियों के लिए किया गया इंतजाम। रूस समर्थित विद्रोहियों ने गॉर्लोवस्की में एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के मिलिट्री कैंप के तहखाने को नेस्तनाबूद करने का दावा। यूक्रेन वॉर के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। वीडियो जारी कर कहा यूक्रेन की आवाम के लिए जरूरी सामान मुहैया करा रहा है रूस। गोमेल में 3 विमानों से मानवीय सहायता भेजी। खार्किव के ऑलखोवका में यूक्रेनियन आर्मी को मिली बड़ी कामयाबी। 27 रूसी सैनिकों को बनाया बंधक। रशिया के कई सैन्य दस्ते को भी तबाह किया। यूक्रेन की मदद को लेकर नाटो में पड़ी दरार। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से इंकार किया। कहा नहीं दे सकते मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यूक्रेन के साथ जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा अब तक रूस के 16,600 सैनिकों की मौत। यूक्रेन आर्मी ने 121 एयरक्राफ्ट, 127 हेलीकॉप्टर, 582 टैंक्स को भी तबाह किया।
रूस यूक्रेन युद्ध के 32 दिन बीत चुके हैं। रूस लगातार हमले कर रहा है और हमलों को और भी तेज करता जा रहा है। यूक्रेन के कई हिस्से पूरी तरह से आज बर्बाद हो गए, लेकिन अभी तक